हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है फाइनली ऑल न्यू 2023 BS6.2 अपडेटेड, यानी कि भाई BS6 फेज 2 वाली फॉर्चुनर लेजेंडर और 4x4। जी हाँ, झोटा फाइनली आज हमारे चैनल पर आ चुका है। और फॉर्चुनर में जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है ना भाई आजकल, वो इसी चीज की है, लेजेंडर। क्योंकि भाई जो इसके लुक्स हैं बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक है, जिसे कहते हैं ना रोला मचाने वाली कार, भाई वो यही है। और ये देख लो आप, सिग्मा 4 की इधर आपको बैजिंग मिल जाती है। एंड आज की वीडियो में ना मैं आपको एक क्विक रिव्यू दूंगा, बट क्विक के साथ साथ भाई सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस कार में आपको क्या क्या ऑफर होता है। और मेन बात भाई इसकी प्राइसिंग 2023 में क्या है। जैसे आपको पता है भाई प्राइसेस हर कार के इंक्रीज हो ही रहे हैं, बट फ्रंट से स्टार्ट करें, इधर आपको मिल जाता है टोयोटा का ह्यूज सा लोगो, ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट, कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको ना ग्रिल पर नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। जो इसकी हेडलाइट है स्पेसिफिकली मुझे सबसे बढ़िया लगती है भाई, ऑल एलईडी सेटअप है। नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है, इधर आपको DRL और इंडिकेटर मिल जाते हैं। एंड ये देखो भाई ग्लॉस ट्रीटमेंट अगेन, बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड उसी के साथ साथ आगे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि दो ही हैं यार, चार तो होने चाहिए थे, इतनी छोटा कार है। नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर कलर की। एंड एक बार देखो भाई कार कितनी ज्यादा ऊंची ऊंची सी लगती है, मतलब कि लैडर ऑन फ्रेम है नो डाउट, बट यस जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 223 mm की। एंड साइड से बात करें 18 इंच के इसमें आपको टायर मिल जाते हैं। एंड अलॉय व्हील्स की बात करें, डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ब्रिजस्टोन के इसमें आपको टायर मिलते हैं, 265R18 इनका टायर साइज है। एंड मड फ्लैप भी लगे हुए हैं मेरे ख्याल से ना, ये एसेसरी लगी हुई है। हाँ जी हाँ जी, रेन वाइजर भी लग रखे हैं। अभी मैं पायोनियर टोयोटा आ रखा हूँ पंचकुला, उधर एक कार खड़ी हुई है। बट एनीवे ओवरव्हीम्स की बात करें, ह्यूज से इसमें आपको ओवरव्हीम मिल जाते हैं, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। एंड यस लेजेंडर भाई ड्यूल टोन में आती है और एक ही कलर में अवेलेबल है ये। एंड ग्लासेस की बात करें, यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस इसमें आपको मिलते हैं। मतलब कि यार खुद देखो, अप्रैल का महीना है और जिस हिसाब से गर्मी पड़ रखी है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल तो है ही। एंड डोर हैंडल्स की बात करें, क्रोम डोर हैंडल्स इसमें आपको मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर इसमें आपको मिल जाएगा, चाबी अंदर ही है, अभी हम अंदर भी जाएंगे। नीचे आपको स्टेपर भी मिल जाता है। एंड अब हम चलते हैं पीछे। स्पॉइलर की बात करें, ऐसा कुछ है भाई लेजेंडर का स्पॉइलर, इधर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, डिफोगर, रियर वाइपर, ऊपर शार्क फिन एंटीना, कोई सनरूफ नहीं मिलेगी भाई अनफॉर्चुनेटली। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो इनोवा खड़ी है ना उधर भाई, उसका टॉप मॉडल ZX ऑप्शनल, जिसकी बुकिंग बंद कर रखी है भाई टोयोटा ने, उस पर आपको जाना पड़ेगा। बट यस जो रूफ रेल्स हैं भाई ये क्रेटा की तरह, मतलब कि ऐसे नहीं है कि इसमें लोड वगैरह आप रख नहीं सकते। एलईडी में आपको टेल लाइट मिल जाती है, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, सिग्मा 4 की बैजिंग जो आपको बताते हैं कि भाई ये है 4x4। एंड लेजेंडर में ना क्रोम का ट्रीटमेंट ना आपको मिलेगा, बट एज कम्पेयर टू नॉर्मल फॉर्चुनर ना बहुत कम देखने को मिलेगा। जैसे इधर देख लो ब्लैक आउट है ये फॉर्चुनर जो लिखा हुआ है, इधर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है। बट यस क्रोम ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत तो देखने को मिलता ही है। इधर लेजेंडर की बैजिंग, रिवर्स कैमरा, पीछे आपको चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जैसे आगे दो हैं, नीचे आपको स्टेपनी मिल जाएगी, इधर आपको एग्जॉस्ट नोट मिल जाते हैं। बट यस अभी ना मैं चाबी निकालता हूँ इसकी, फिर इसका ना टेल गेट भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ऐसी कुछ है भाई इसकी की, फॉर्चुनर इधर लिखा हुआ है, इधर आपको लॉक अनलॉक बूट ओपन का ना ऑप्शन मिल जाता है। अभी ना मैं बूट ओपन करता हूँ। ये देखो भाई हो चुका है इसका बूट ओपन, और जो थर्ड रो है ये हो रखी है फोल्ड। बट भाई जैसे इंडेवर में आता है ना बटन, मतलब की इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड हो जाती थी, वैसा भाई इसमें आपको हिसाब किताब नहीं मिलेगा। और जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया इसमें ना एसेसरी लोड हो रही है, तो सारा ना वही सामान पड़े, जैसे इधर देखो मैट पड़े, बूट मैट। बट एनीवे थर्ड रो की बात करें ना, जो अच्छी बात है भाई कम से कम एसी वेंट्स तो मिल रहे हैं, ऊपर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं। एंड बूट लाइट की बात करें, इधर आपको बूट लाइट मिल जाती है, कैबिन लाइट कह लो बूट लाइट कह लो एक ही बात है, क्योंकि आपको पता है इनकी बूट का क्या हिसाब होता है। ये आपको हैलोजन ही मिलती है। एंड इधर आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाते हैं, इधर आपको हुक मिल जाते हैं, एंड इधर ना आप अपना सामान वगैरह अटका सकते हैं। एक मैंने वीडियो डाली थी किसी कार की, उसमें भाई कह रहे थे भाई इधर सीट बेल्ट लग जाती है, भाई सीट बेल्ट लगा लो ऐसे। एंड इधर आपको कुछ स्पेस मिल जाती है अच्छी खासी। बट एनीवे अब हम इसका करते हैं टेल गेट बंद, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट इसमें आपको मिलता है, बटन प्रेस करा अब ये बंद हो जाएगा। नाइस यार, कौन कहता है भाई फॉर्चुनर में फीचर नहीं है, इतने ज्यादा फीचर्स हैं, और ऊपर से वैसे ये लेजेंडर है भाई, पैसा भी अच्छा खासा चार्ज करते ही हैं। बट एनीवे भाई बाहर से कार कुछ ऐसी है, अब हम चलते हैं कार के अंदर। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम, ड्यूल टोन ना इसमें आपको इंटीरियर मिलते हैं, सॉफ्ट टच आपको ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया ड्यूल टोन ट्रीटमेंट मिलेगा, मेहरून और ब्लैक का मेहरून स्टिचिंग है। इधर आपको बोतल होल्डर, कुछ स्पेस, और JBL के स्पीकर भाई रिमूव हो चुके हैं, तभी मैंने आपको कहा BS6 फेज 2 अपडेटेड है ये, तो फीचर्स तो इसमें रिमूव हुए हैं, प्राइस इसके इंक्रीज हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल इसमें आपको सीट्स मिल जाती है, जो की बहुत ही बढ़िया बात है। बट एनीवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं चलता हूँ अंदर, कार हम स्टार्ट करते हैं, रिफाइनमेंट देखना भाई कार की। भाई रिफाइंड तो बहुत ज्यादा है, भले इतना बड़ा इंजन है, एक तो वैसे डोर्स भी बंद है। भाई ब्लोअर की आवाज कितनी है, कम कर दो ब्लोअर। इंजन की बात हो ही रही है तो भाई इसमें आपको मिल जाता है 2800 cc का डीजल इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है 201 bhp विद 500 nm ऑफ
स्टोर एंड लेजेंडर आपको ऑटोमेटिक में ही मिलेगी, मैनुअल में नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया ना 4x4 है, इधर आपको 4x4 का नॉब भी मिल जाता है। ये तो H4 पे लगा रखी है यार ने, इधर देखो डिफरेंशियल भी बना रहे, बट यार H2 पे लगा दो। जी लग चुकी है अब H2 पे, इधर से हट भी चुका है। बट एनीवे स्टीयरिंग व्हील की बात करें, ऐसा कुछ है इसका स्टीयरिंग व्हील, टिल्ट है एंड टेलीस्कोपिक भी है। इधर आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं जो कि बढ़िया लगते हैं, मतलब कि सिल्वर कलर में। इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं, इधर से आप MID कंट्रोल कर सकते हैं। लेदराइज इसमें आपको ना स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, जो नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर है उससे ना आपको अलग मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बीच में आपको MID मिल जाएगी जो कि सेम है, डिफरेंस बस कलर स्कीम का ही है भाई। देखा जाए ना उसमें ब्लूइश सा मिलता है, इसमें आपको डार्क डार्क मिलता है। एसी वेंट्स की बात करें, सेम इसमें आपको एसी वेंट्स मिलेंगे। ये क्रोम ट्रीटमेंट भाई बढ़िया लगता है, बट भाई जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है ना, फॉर्च्यूनर होगी, हाईलेक्स होगी, इनोवा हाईक्रॉस होगी, जो बोतल होल्डर मिलता है ना दोनों साइड, भाई बहुत ही बढ़िया लगता है। इधर आपको मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इधर से आप फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफ कर सकते हैं, बूट ओपन कर सकते हैं, इंजन भी ओपन कर सकते हैं। इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिलते हैं चारों, इसमें आपको वन टच अप वन टच डाउन मिलती है एंड इधर से आप कर सकते हैं ORVM फोल्ड एंड एडजस्ट। बट अब बात आ जाती है सेंटर कंसोल की। भाई आपने सुना होगा कि फॉर्च्यूनर में फीचर नहीं आते, बट आई नो इस बात को लेके लोग मुझे हेट भी करेंगे। मुझे ऐसा लगता है यार फॉर्च्यूनर में जो फीचर आने चाहिए ना वो तो आते ही है। जैसे वेंटिलेटेड सीट्स होगी भाई, वो आपको मिलती है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले होगा वो आपको मिलता है। ऑटोमेटिक IRVM हो गया वो आपको मिलता है। आई नो सनरूफ मिसिंग लगती है, बट धीरे धीरे भाई मैच्योरिटी आ रही है लोगों में कि सनरूफ नीड नहीं है। और इंडिया में कितनी गर्मी है भाई, अभी देख लो 34 डिग्री दिखा रहे हैं, 40 डिग्री तक ये पहुंच चुका है। कल हमारे इधर 40 डिग्री था, गुड़गांव में मेरे ख्याल से 42 भी हिट हो चुका है। फीचर्स इसमें है, बट आई एग्री कि जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा है। और जो प्राइस है ना भाई इस चीज का है, और कार की जो ब्रांड वैल्यू बन रखी है ना भाई कि रोला मचाती है कार, ये है वो है, सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा फेमस है, इसलिए भाई इसके प्राइसेस इंक्रीज होते रहते हैं, डिमांड इतनी ज्यादा है। बट एनीवे भाई ये सब चीजें छोड़ते हैं, तो देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इधर आपको सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट मिल जाता है, इधर भी सॉफ्ट टच मिलता है, इधर आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। एंड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले ना इसमें तभी शो करता है जब हम ना इसे USB से कनेक्ट करते हैं। जी हाँ, वायरलेस इसमें आपको नहीं मिलेगा। ड्यूल जोन इसमें आपको AC मिल जाता है, इधर से वही 4x4 के आप कंट्रोल करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। इधर आपको मिल जाता है हिल डिसेंट कंट्रोल एंड ये है आपका USB सॉकेट। एंड इधर आपको मिल जाते हैं मोड चेंज करने के बटन, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड। अब ना मैं स्पोर्ट्स मोड प्रेस करता हूँ, ये देखो भाई स्पोर्ट्स मोड लग चुका है। कुछ बोलती नहीं है कि स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड, जैसे टाटा की कारें बोलती है ना। इधर से ऑफ कर सकते हैं इसका ट्रैक्शन, इधर आपको डिफरेंशियल के बटन मिल जाते हैं, ये है भाई डमी बटन। इसका हम आर्मरेस्ट देखें, अच्छी खासी स्पेस है, सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट मिल जाता है। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें भाई, ग्लव बॉक्स में भी अच्छा खासा स्पेस है। एंड इधर आपको मिल जाती है फॉर्च्यूनर की बैजिंग, ये भी भाई खुल जाता है वैसे तो, इसे प्रेस करेंगे, यूनिक ट्रीटमेंट नहीं लगता। मतलब यार अच्छी लगती है छोटी छोटी चीजें मुझे तो पर्सनली, बट भाई अभी भी मैं यही कहूंगा कि ओवर प्राइस तो कार है कहीं ना कहीं। 46.54 लाख एक्स शोरूम ये आपको पड़ती है, ऑन रोड 50 से प्लस ही जाएगी 52 तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ये स्टेट टू स्टेट ये वेरी करेगा। एंड भाई DPF तो इसमें डलेगा ही डलेगा जैसे पहले में डलता था। BS6 फेज 2 में ना जो मेजर अपडेट तो क्या है यार, JBL के स्पीकर हटा दिए, एयरबैग इसमें आपको 7 मिलते हैं, नी एयरबैग अभी भी आता ही होगा मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड यस इधर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। एंड सेफ्टी तो भाई कार में आपको मिलेगी मिलेगी, 5-स्टार रेटेड कार है। बट यस अब बात आ जाती है सीटिंग कंफर्ट की, नो डाउट भाई सीट्स ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आपको लगती है, लेदराइज इसमें आपको सीट्स मिल जाती है, बट चलाने में ना कार आपको स्कॉर्पियन से लेस फन टू ड्राइव लगेगी। आई नो जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ बहुत भाइयों को ऑफेंसिव लगेगा, बट भाई ये सच है, क्योंकि उसमें ना इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलता है, इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है, बट जो रगडनेस चाहिए होती है ना एक इंसान को वो इसमें ही मिलेगी भाई। बट एनीवे अभी हम कर देते हैं कार को बंद। AC भाई कार का जबरदस्त है, नो डाउट चिल ये अच्छा खासा कर रहा है। अब हम चलते हैं सेकंड रो में। एंड इधर आपको भाई ये देखो लाइट मिल जाती है, जैसे रात को आप डोर खोल रहे हो तो सेफ्टी के लिए अच्छी चीज है। इसके ना अलॉय व्हील्स भी भाई चेंज है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, नहीं तो आपको होता है 4x4 फॉर्च्यूनर में ये वाले अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बट एनीवे अब हम चलते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो में क्या क्या ऑफर कर रही है फॉर्च्यूनर वो भी देख लेते हैं। सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है एंड ये देख रहे हो भाई आगे भी एम्बिएंट लाइट है, इधर भी आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, बट कोई कलर वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं अंदर एंड इधर देखो भाई इधर भी आपको लाइट मिल जाती है, मतलब कि फुट लाइट कह लो, एटमोस्फेरिक लाइट कह लो, कुछ कह लो। सीट में थोड़ी सी एडजस्ट कर देता हूं। जी हां आप रिक्लाइन तो कर सकते हैं सीट, वो भाई कितनी रिक्लाइन होगी, पूरी गिर गई है तो। एंड इधर से आप स्लाइड भी कर सकते हैं, तो नो डाउट सेकंड रो अगर आप एडजस्ट कर लें तो पीछे बच्चे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अब ये देख लो मैंने कितनी रिक्लाइन कर ली, अब ऐसे करके थोड़ी ना बैठेंगे भाई बच्चे, बट जोक्स अपार्ट सीट में थोड़ी सी सही कर लो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। भाई सेकंड रो का कंफर्ट अच्छा खासा है, लेग रूम आपको अच्छी खासी मिल जाती है, बट थाई स्पोर्ट आपको कम लगेगा। ऊपर आपको रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे एंड इधर आपको केबिन लाइट मिल जाएगी जो कि LED है, बाकी AC वेंट्स आपको इधर मिल जाते हैं, AC के कंट्रोल्स इधर मिल जाएंगे। एंड पीछे से भाई डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ भाई आपको फॉर्च्यूनर कैसी लग रही है कैसी नहीं। एंड इधर आपको सी टाइप सॉकेट भी मिल जाता है। बाकी तो भाई अब मैं चलता हूँ कार के बाहर एंड वीडियो को
करते हैं कंक्लूड। नो डाउट कार जबरदस्त है बट कहीं ना कहीं प्राइसिंग आपको भाई ज्यादा लगेगी, आपको क्या सबको ही ज्यादा लगेगी। एंड यस इधर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, 80 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है भाई, डीजल में अवेलेबल है लेजेंडर। बट मेन बात वही आ जाती है जो नॉर्मल वाली फॉर्च्यूनर है, ये भी देखो 4x4 है, बंदा इस पर जाए या फिर लेजेंडर पे जाए, क्योंकि जो मेजर फर्क है भाई कॉस्मेटिक चेंजेस है, इंजन भी सेम है, फीचर्स वगैरह जैसे JBL के स्पीकर भी अब उसमें से हट चुके हैं। 4x2 लेनी हो, 4x4 लेनी हो, इस पर जाना चाहिए या फिर लेजेंडर पे जाना चाहिए। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन दे भाई, आप किस पर जाएंगे, नॉर्मल फॉर्च्यूनर या फिर लेजेंडर। एंड फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को याद से लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।